पिछले दिनों पाकिस्तान के होने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण प्रोग्राम में जाने को लेकर खबरें आ रही थी, जिसमें भारतीय पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर, आमिर खान, कांग्रेस के पंजाब के डिप्टी सीएम नवजोत सिंह सिद्धू को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन गावस्कर का कहना है कि जब तक मोदी सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिल जाएगी तब तक वो जाने के बारे में सोच नहीं सकते। गावस्कर ने कहा कि इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीर इंसाफ के सीनेटर की तरह से मेरे पास निमंत्रण आया है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इमरान खान के 11 अगस्त को पीएम पद की शपथ लेने की खबरें हैं। बात करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा कि मुझे इमरान खान के शपथ समारोह का न्योता मिला है, इमरान की पार्टी की तरफ से उन्हें फोन आया था। गावस्कर ने कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की व्यस्तता के कारण मेरा जाना मुश्किल है। इसके अलावा मैं भारत सरकार से भी अनुमति और सलाह लेना चाहूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। सरकार अनुमति दे देगी तो मैं जा सकता हूँ। SPN न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।